आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। इस वक्त 6:01 है और हम इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं हुंजा की तरफ। इंशाल्लाह हुंजा का जो रास्ता है उसका तो हम पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से पहुँचाए, आमीन। ये जी अब हम कलाम से वापसी पर भूख बहुत लगी हुई थी तो हमें ये एक होटल मिला है, फैमिली हॉल एतमाद रेस्टोरेंट एंड सुपर। यहाँ से इंशाल्लाह अब हम खाना खा के निकलेंगे। अखबार आलूम के चचा सभी माशाल्लाह मर रहा हेलो बगाना हो तो कुल शही कुल शही हो तो عربي ما شاء الله ما شاء الله كم سنه صار في شغل هناك هناك ايوه 2 سنه بعد ان اجي انت هنا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ये अभी बना रहे हैं कढ़ाई लाहौरी कढ़ाई वो भी माशाल्लाह वो कहते हैं अपने हाथों से बनाएंगे बड़ी मजेदार करके इंशाल्लाह गोजी डालना है गोजी डालना सब कुछ डालना है लेजी रहने दो हौसला कर ला हौसला कर ला। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त बनाया। हम बहरीन बाज़ार जो है इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम रात के टाइम हुंजा की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत से हमें पहुंचाए, लेकिन रास्ता ख़तरनाक है। मेरी तो आप सबको यही इल्तिजा होगी कि अगर आपने हुंजा वाली साइड पर जाना है तो रात के टाइम सफ़र नहीं करना चाहिए, ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत सी जगह पर लाइन स्लाइडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी के निकलने की जगह बच गई।
खसूसी फैमिली के साथ अगर हैं तो फैमिली को बिल्कुल इस रास्ते से नहीं लेके जाना, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुंजा जाते हुए एक जगह थकावट हो गई थी, हमने कहा क्यों ना चाय पी जाए, और चाय पीने आए हैं। चाय चाहिए कौन सी जनाब, सफ़र में अगर आपको चाय मिल जाए तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह पानी का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है, चश्मे का पानी है जो डायरेक्ट इसके अंदर जाता है और यहाँ से वो अपने यूज़ में लाते हैं पानी को। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने सफ़र करना है तो आप नारान कागान की तरफ से सफ़र करें, हुंजा स्कर्दू की साइड में जाना है, वो सबसे बेस्ट है और जून जुलाई तक वो रास्ता भी खुल जाता है। ये रास्ता बहुत ही गंदा रास्ता मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ डैम बन रहे हैं, 3 से 4 डैम हैं जिनकी वजह से रास्ता इतना ख़राब है कि आपकी गाड़ी जो है वो 10-20 की स्पीड, 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो बेहतरीन हाल यही है कि आप वो रास्ता यूज़ करें। वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम गिलगित में पहुंच गए हैं और अभी हमारा सफ़र जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का बाकी है। माशाल्लाह पाकिस्तान में खूबसूरती देखनी है, बल्कि दुनिया में खूबसूरती देखनी है तो पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाका जो है मैंने जो देखा है वो हुंजा वाली साइड है। ये देखिए माशाल्लाह बुलंद तरीन पहाड़ और पहाड़ों की खूबसूरती माशाल्लाह माशाल्लाह। होटल में हमारा स्टे है, ये वो होटल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह होटल में पहुंच गए अब, और यहाँ लाइट भी नहीं है। अब ब्रेकफास्ट करके प्लान ये है कि हम सो जाएं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।